सूखा बीच उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये शारदा सागर डैम और शारदा कैनाल के बीच महोब फॉरेस्ट रेंज में स्थित है। ये दिल्ली से करीब 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप चूका इको टूरिज्म स्पॉट में स्टे कर रहे हैं या फिर सफारी करना चाहते हैं, आपने ऑनलाइन बुक किया हुआ है या फिर यहाँ आकर के इसको बुक करना चाहते हैं, तो भी आपको मुस्तफाबाद के इस सेंटर में आकर के रिसिप्ट लेनी होगी, तभी आप अंदर जाकर के विजिट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, फटाफट से हम रिसिप्ट कलेक्ट करते हैं और चलते हैं चूका बीच की ओर। हमने यहाँ का स्टे और सफारी दोनों ऑनलाइन बुक की थी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अभी हम गेट नंबर 4 से अंदर एंटर कर रहे हैं, यहाँ पर रिसिप्ट चेक करा के हम अंदर एंटर करेंगे। अंदर घुसते ही आपको जंगल का फील आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी PTR का ही हिस्सा है। अंदर अपनी गाड़ी लाने के लिए आपको 400 रुपीज़ पे करने होंगे। अब क्योंकि ये जंगल का हिस्सा है, तो आपको यहाँ पे कई सारे जानवर और बर्ड्स देखने को मिल सकते हैं, इंक्लूडिंग टाइगर। अगर आप यहाँ पर स्टे नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप बीच विजिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1800 रुपीज़ पे करने होंगे जिप्सी के, जिसमें 6 पीपल तक आ सकते हैं। बीच विजिट करने के लिए 10 से 2 का टाइमिंग है। PTR विजिट करने के लिए 15 नवंबर से 15 जून के बीच आप यहां आ सकते हैं। अंदर घुसते ही एक सुविनर शॉप पड़ेगी, यहां से आप कुछ लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये रास्ता बीच की तरफ जाता है, चलिए चलते हैं बीच की तरफ। अभी हम फेब में आए हैं, अगर आप मार्च एंड या उसके बाद आएंगे तो आपको यहाँ सैंड मिलेगी, जो आपको बीच की पूरी फील देगी। यहाँ आप स्पीड बोटिंग का भी मजा ले सकते हैं, जिसका रेट 2100 होता है फॉर अप टू 6 पीपल, जिसमें ये 30 से 40 मिनट्स तक आपको घुमाते हैं। यहाँ पर एक कैंटीन भी है, जहाँ से आप रिफ्रेशमेंट्स ले सकते हैं। यहाँ पर 4 थारू हट और 1 ट्री हाउस है, तो आज का स्टे हमारा ट्री हाउस में होगा। ये थारू हट 2-2 के सेट में बनी हुई है, तो अभी हम देखते हैं कोई इनमें से खुला होगा तो आपको दिखाते हैं अंदर से कि किस तरह की देखने में है। चलिए अब चलते हैं वाटर हट की ओर, जिसे बैम्बू हट के नाम से भी पहले जानते थे। यह अभी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसमें रेनोवेशन का काम चल रहा है। ये बीच के ऊपर बनी हुई है, जो इसको काफी सुंदर और अट्रैक्टिव बनाती है। यहां से आपको बहुत ही सुंदर और खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे। आप यहां आएंगे तो कुछ पल को आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप यूपी में हैं, बल्कि किसी गोवा के शैक में बैठे हुए हैं और समुद्र के नज़ारे देख रहे हैं। दिस इज द नाइट व्यू। यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी लाइट्स लगा दी गई हैं, काफ़ी अच्छी रोशनी है। तो जैसा कि इन्फॉर्मेशन मुझे मिला, दिन के टाइम पे ये सोलर पे चलती है और आपके जो चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह हैं वो सब चलते हैं, और रात के पूरी रात जो है यहाँ पे जनरेटर चलता है, तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, आराम से आप आ सकते हैं। ये यहाँ का डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर डिनर में बुफे सिस्टम है, जिसमें 300 रुपीज में अनलिमिटेड फूड है। तो वैरायटी तो यहाँ बहुत ज्यादा नहीं है, यहाँ पर जैसे जो हमें मिला वो था रोटी, मिक्स वेज, दाल, पनीर की सब्जी विद राइस और स्वीट डिश। फ्रेंड्स, हम लोग सफारी करके वापस आ गए हैं, तो हमें टाइगर की स्पॉटिंग तो नहीं हुई, बट उसके अलावा हमें और एनिमल्स और बर्ड्स दिखाई दिए। तो अभी हम यहाँ ट्री हाउस में स्टे कर रहे हैं, तो एक बार मैं आपको ट्री हाउस का टूर दे देती हूँ।
सो दिस इज़ अ बैल्कनी। बैल्कनी से देखने पर आपको पानी ही पानी नजर आएगा। वाटर बॉडी के उस पार नेपाल है। अगर आप विंटर्स में आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी नजर आएंगे। की बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ये दो पेड़ों के ऊपर बना हुआ है और इसका प्राइस अराउंड 3600 पड़ता है विदाउट GST। तो थारू हट्स और ट्री हाउस का रेट सेम ही है। तो ये हमारा रूम है। अभी रूम थोड़ा मैसी हो रखा है, तो इस तरीके से आपको एक क्वीन साइज का बेड मिल जाएगा और यहाँ पे चेयर्स एंड टेबल वगैरह दी हुई है और इसमें एक अटैच बाथरूम दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो यहाँ पे ट्री हाउस का मैं ये कहूँगी कि आप रह सकते हैं, बट आपको थोड़ा प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि यहाँ पे जंगल का एरिया है तो यहाँ पे स्पाइडर वगैरह हो सकते हैं, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहे। बाकी पानी के पास है तो मॉस्किटोज वगैरह होते हैं, लेकिन कल हमें थैंकफुली नहीं लगे। तो हम ओडोमॉस वगैरह लेके आए थे बट हमें ज़रूरत नहीं पड़ी उस चीज़ की। तो नींद काफी अच्छी आ गई, बेड कंफर्टेबल था, लोकेशन इज वेरी गुड, बाकी सब कुछ अच्छा है, बट मुझे हाइजीन के थोड़ा सा लगा कि यहाँ पे थोड़ा सा और मैनेजमेंट थोड़ा सही से हो सकता है, थोड़ा सा और इनको ध्यान रखना चाहिए। लाइक मुझे कुछ चीजों पे डस्ट वगैरह दिख रही थी, तो मुझे लगा कि वो थोड़ा सा और इनको अच्छे से मैनेज करना चाहिए। बाकी अदरवाइज ये जगह काफी अच्छी है और जब यहाँ पे आप आएंगे तो वहाँ आने में ही आपको थोड़ा जंगल नजर आएगा, तो आपको उसी में डियर वगैरह ये सब चीजें देखने को मिल जाएंगी। और अगर आप लकी हुए तो आपको यहाँ रास्ते में ही टाइगर भी मिल सकता है। तो बोलते तो है यहाँ लेपर्ड और टाइगर दोनों का ही यहाँ पे एरिया है, तो वो कभी कभी दिख जाते हैं यहीं पर। चेकआउट कर दिया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।